这个叮叮哒，滴滴哒，滴滴哒哒哒哒。पिछले क्लास में हम बात किए थे गत पलटा को पलटा क्यों कहते हैं और किस तरह से बेसिक गत पलटा हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि उसी ताल का तत्कर्ष होना चाहिए और एक मात्रा पहले आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। पर गत पलटा भी अलग अलग तरीके से होता है, एक तो अपना अपना स्टाइल से भी अलग होता है एंड थोड़ा सा आप जो गत करने जा रहे हो, जो भाव करने जा रहे हो, उसका चरित्र किस तरह के है, गत निकास में आप जो मुद्रा लेने जा रहे हो वो क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पलटा अलग होता है। तो मैं चाहती हूं वो अलग अलग स्टाइल में आपको दिखाती हूं। बट बेसिक जो गत पलटा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई, उसमें भी कुछ लोग ऐसे साइड में देते हैं। जो मैंने कहा एक मात्रा पहले प्रिपरेशन की बात कर रही हूं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ये चीज ऐसे करते हैं, कुछ लोग थोड़ा नीचे करते हैं, कुछ लोग ये हाथ का लेवल पे करते हैं। तो ये सब हर एक कलाकार के अपने हिसाब से होता है, आपके बॉडी लाइन के हिसाब से होता है। पर अगर मुझे बोलोगे, मैं बोलूंगी हर एक चीज आप प्रैक्टिस करिए तो आपका गत पलटा और सुंदर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूं कि अगर आप सॉफ्ट कोई लास्य का अगर कोई गत निकास कर रहे हो या गत भाव में ऐसे कोई कैरेक्टर है जो लास्य के है, कोई फीमेल कैरेक्टर है जो सॉफ्ट है, कोई तांडव का कैरेक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कोई मेल कैरेक्टर है, तो उसका पलटा किस तरह से होगा। ता थे थे तत आ थे या थे या तत ता थे थे तत आ थे थे 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 तत ता थे थे तत आ थे या तत ता थे थे तत आ थे थे 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 तत। इसके अलावा आप अपने हिसाब से गत पलटा आप अपना क्रिएटिविटी के रूप में भी कर सकते हो। पर दो बातें जरूर याद रखना, एक ये कि तत्कार के पैर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और क्या करने जा रहे हो उस हिसाब से पलटा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। तो आज इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलूंगी कुछ नए बात लेके आप सबके साथ। नमस्कार। We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment and share our videos and keep learning.